नमस्कार दर्शकों, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। आज के बाद में अब 5 दिन की मंडी में छुट्टियां हैं, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, लोगों को मतदान भी करना है, तो लिहाजा अगले 5 दिन तक मंसूर कृषि मंडी जो है वो बंद रहेगी। ऐसे में आज जो लहसुन की अच्छी खासी आवक देखने को मिल रही है, करीब से करीब 20,000 से अधिक बैग मंसूर मंडी के अंदर जो है वो बिकने के लिए आए हैं। जहाँ तक नज़र डालेंगे वहाँ तक आपको सिर्फ लहसुन ही नज़र आएगी। इसके साथ ही हम बता दें कि आज जो है लहसुन की जो रेट है वो करीब 25,000 तक भी गए हैं, यानी कि ऊँचे 25,000 तक बिकी है। लेकिन कुछ किसानों से हम बात करेंगे, व्यापारी से बात करेंगे कि क्या कारण है कि लहसुन के अच्छे खासे भाव मिल रहे हैं। हमारे साथ में कुछ किसान है। दादा कहाँ से आए? नलकड़ा। नलकड़ा से क्या लेके आए हैं? लहसुन। क्या बिके आप लोगों? नहीं बिकी। अच्छा, क्या भाव जा रही है भैया? अभी जा रही है, पानी गिर गया, पानी भाव लूट हो गया। अच्छा, हाँ, पानी गिरने से लहसुन खराब हुई है सब? कुछ नहीं हुआ, लहसुन कुछ लहसुन खराब नहीं हुई, किसी की वही खराब कणके नहीं हुई। भाव कम हो गया सर? भाव कम हो गया। कितना कम हो गया? कम 4-5 हज़ार को फर्क गया। जो 4-5 हज़ार को फर्क पड़ गया, क्या सोच के आए थे आप वहाँ से? वो अच्छी लहसुन भाव में बिकेगा अपनी। अच्छा, हाँ, इसलिए नीमच नहीं गए हम। अच्छा, तो आज पता कुछ क्या भाव बिकी है? आज भाव जा रही 10-12 थी, अच्छी वाली लहसुन। चलिए, और कुछ है हमारे साथ में? दादा आप कहाँ से आए? नलखेड़ा से। नलखेड़ा से आए हैं, उज्जैन जिले से आए हैं। हाँ, तो क्या लेके आए? लहसुन लेके आए। लहसुन लेके आए। कौन सी लेके आए? यही लहसुन है, देसी। देसी है। हाँ, भाव क्या मिला? भाव क्या मिला अभी हमारे तो हो ही नहीं है, पर बाकी देख रहा है या हमारे पड़ोस में बिकी है उसको 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 लास्ट है। अच्छा, हाँ, अच्छी लहसुन एकदम बढ़िया 15 गई। अच्छा, हाँ, तो किसानों का कहना है कि जो है कल बारिश हुई थी, उसकी वजह से हो सकता है कि इनको आज जो है कम जो है दाम मिल रहे हों। हालांकि व्यापारी से भी हम बात करेंगे। कुछ और किसान है? दादा अभी आप लहसुन का जी कर रहे थे, कहाँ से आए हैं? ब्राह्मणगढ़ा से। ये कहाँ आ गया? ये अपने उज्जैन जिला का। उज्जैन जिले से आए? तो उज्जैन जिले से तो क्या लेके आए थे? ये लहसुन लेके आए थे। बिकी आपकी? बिक गई। क्या भाव? 6,000 बिकी। 6,000 बिकी। क्या उम्मीद लेके आए थे? यही आएगा, अच्छा भाव होगा। अच्छा भाव है। हाँ, आज भाव करनी। हाँ, और सुबह सौदा में भी 6,500 मांग लिया था। अच्छा, 6,500 मांग लिया था क्विंटल। अच्छा, तो उम्मीद के बराबर आपको दाम नहीं मिला? नहीं मिला, 7 के बराबर था, 7 मिल जाएंगे, 7 ऊपर नहीं। 7 दाम तो मिल नहीं सर। चलिए, तो किसानों का कहना है कि इनको उम्मीद थी कि जो हमारे साथ किसान है उनका कहना है कि उम्मीद थी कि 7,000 तो कम से कम इनको मिलेंगे, लेकिन आज जो है वो किसानों का कहना है कि जो मार्केट थोड़ा डाउन है और उनको उम्मीद के बराबर जो है लहसुन का वो जो दाम है वो नहीं मिल रहा है। हालांकि कि व्यापारी से बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है कि 2 दिन पहले जो थे वो अच्छे भाव थे और आज जो है किसान कह रहे हैं कि उनके उम्मीद के मुताबिक जो है दाम नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम फिर व्यापारी से बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं व्यापारी के पास कि वो क्या कहते हैं इस पूरे के मामले में। चलिए, गोपाल जी हमारे साथ में, समझते हैं कि क्या आज का मंडी का जो है बाजार रहा है। गोपाल जी, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बाजार रहा है, क्योंकि आगे 5 दिन तक मंडियां बंद है और कल बारिश भी हुई है? देखो, आज जो है कल वाले बाजार ही खुले हैं, मार्केट लगभग समान है। कल बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ किसानों का, उसके चक्कर में गीले माल भी है, लेकिन आगे छुट्टियों को देखते हुए बाजार समान है, कोई तेजी मत दिखे। थोड़ा उनको कम रेट मिला है? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो तो कुछ गीले माल है जो कम रेट बिके हैं। अच्छा, बाकी सूखे और अच्छे मालों में समान बाजार है। स्टेजी देने वाली है? कोई समान ही है, आगे लोग तेजी में है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टॉक में ले जा रहे हैं लोग, लेकिन अभी से ही सीजन में इतने अधिक भाव होने से बहुत मुश्किल है कि और आगे तेजी आए। अच्छा, अभी बहुत अच्छा, मतलब बहुत तेज भाव है? हाँ, अच्छे भाव है अभी। तो आज क्या गई है? आज लगभग ऊपर में देसी माल 27,000 के आसपास बिका है और एक ऊटी माल कुछ 29,000 रुपये बिका है ऊपर में, और नीचे में देसी बिका है 8,000, 8,500 रुपये। हाँ, तो गोपाल जी इनका कहना है कि आज जो है किसानों की, कल जो है बारिश हुई थी तो उससे थोड़ा उपज गिली हुई थी, उससे थोड़ा कम दाम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जो लहसुन है उसका दाम भी किसानों को कम मिला है। तो आज जो भाव है देसी लहसुन का 27,000 और ऊटी के जो लहसुन है 29,000 तक बिका है। खैर, गोपाल जी का कहना है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं आने वाला है कि अभी जो तेजी है लहसुन में वो बहुत हाई तेजी है और इसके बाद में इतनी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, कुछ तेजी जरूर मिलेगी क्योंकि स्टॉक लोगों ने करना शुरू कर दिया है। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मधुसूदन से मैं दीपक शर्मा।